महात्मा के पास एक आदमी लड़का गया, वो कहने लगा कि मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत गमगीन हूँ मैं, मेरी प्रेमिका ने मुझे छोड़ दिया। महात्मा ने कहा, भाई ये प्रेमिका तुझे छोड़ गई तो क्या हुआ, क्या हुआ, तू जवान है, तू सुंदर है, तुम्हें और कई स्त्रियां मिल जाएंगी। कहते पर पता नहीं है, कोई स्त्री मेरी तरफ आकर्षित ही नहीं होती। महात्मा ने उसको एक ग्रंथ पढ़ाया और उस ग्रंथ में विवेचना यह थी कि जो व्यक्ति शरीर को प्राणमयी कर दे, उसके शरीर में सैकड़ों काम देवों जैसी रोशनी आ जाती, एक नहीं सैकड़ों काम देव जैसी रोशनी आ जाती। अभी तो शरीर खाली तुम्हारा हड्डी मांस का है, प्राण कहाँ है, वो तो सुप्त हुए पड़े हैं। तो बोले, इन प्राणों को जगाए और शरीर कांतिमय हो जाए, और ऐसे पुरुष पर सैकड़ों हजारों अप्सराएं भी समर्पण करने को तैयार हो जाती। उसने कहा, बेटे तुम इसका अभ्यास शुरू करो, इसको करते करते तेरे अंदर का जो नेचुरल मैग्नेटिज्म है वो जगने लग जाएगा, और तू एक क्या सैकड़ों स्त्रियां तेरे पीछे आएंगी। तो स्त्रियों के मोह में, स्त्रियों के लोभ में, उस प्रेमिका ने जो छोड़ा, उसके दुख के कारण उसने महात्मा के इस वचनों को सुना और कहते, ठीक है महाराज, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बोल दी, नहीं तो मैं तो जिस भी लड़की से प्रेम करना चाहता हूं, या तो वो मुझे देखती नहीं है, या वो राखी लेके आती है कि मेरा भाई कोई नहीं तो मेरा भाई बन जा, मुझे तो कोई स्त्री ऐसी मिलती ही नहीं, मेरी और कोई अटेंशन ही नहीं देते। बोले, तेरे में है क्या, तुझे कोई क्यों देखे, क्या है तेरे में, क्या है तेरे व्यक्तित्व में। वो जो श्लोक उसने पढ़ा, योग का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें यह श्लोक का हिस्सा है, जिस ग्रंथ का यह हिस्सा है, तो उसका अभ्यास शुरू हुआ। तो उन्होंने उसको सब क्रम जो है वो शुरू करा दिया, आसन करा, मुद्राएं कराने लगे, प्राणायाम कराने लगे, और वो बहुत बहुत डेडिकेटेड होके इसको करता है। कुछ 6 महीने निकल गए। अब पहले पहले तो जो मन उसका भटका और बेचैन था वो ठीक हो गया। 6 महीने बाद जाके एक दिन वो कहता है कि गुरुदेव एक बात पूछनी है। बोलो। बोले, आपने जो मुझे श्लोक पढ़ाया था वो तो सत्य है, ऐसा मैं समझता हूँ, पर मेरे मन में एक इच्छा ये जग रही है कि जिस अपने इस मैग्नेटिज्म को मैं जगाने के लिए शरीर को प्राण की ऊर्जा से भरने और सैकड़ों कामदेवों का तेज मेरे शरीर में आ जाएगा, ऐसी लक्ष्य को रखते हुए जिस अभ्यास को मैं कर रहा हूँ, इस अभ्यास को करते 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 तो मेरा तो मन अजब अजब सा ही होता जा रहा है। बोले, कैसा होता जा रहा है? बोले, मुझे तो अब कोई भी लड़की औरत को देखने की इच्छा ही नहीं हो रही। तो आप कहते हो ऐसा करोड़ों कामदेवों की कांति जग जाएगी, तो बात नहीं समझ लगी। मुझे तो अभी थोड़ा ही समय हुआ है और पहले से ही मेरा मन उठ रहा है, और अगर इसका अभ्यास मैंने ज्यादा कर लिया तो मेरा मन तो परमानेंट उठ जाएगा, तो मेरे शरीर का प्राणमयी हो जाना और करोड़ों कामदेवों की रोशनी और कांति मेरी देह में आ जाएगी, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ। महात्मा जी ने कहा, बेटे 6 महीने बाद बात करेंगे, अभी नहीं। 6 महीने और निकल गए। रोज गुरु के पास बैठ के अभ्यास करता रहा। अभ्यास करते 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 अभ्यास योग युक्तेन, नतीजा चित्त ठहर गया। नतीजा चित्त में सहज से ब्रह्मचर्य की स्थिति बन गई। तो समय अनुकूल देखा, शिष्य की योग्यता भी देख ली, नाप ली, भाप ली, तो महात्मा जी ने खुद ही 2-4 अपनी दूर दराज की जो शिष्याएं थी, जो सुंदर सुंदर वाली, उनको कहा कि बेटे जरा आ जाना, आज एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है। आई
बोले ये जब बैठा हो, जब ये उठे, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसके पास प्रेम का प्रस्ताव लेके जाना है। लड़कियों को वैसे भी विवाह करना था और लड़का तो योग्य था ही। बोले अगर तुम में से किसी का आपस में बात बन जाए तो हम बड़े प्रसन्न कि दोनों शिष्य और शिष्या योगी है, साधक है, आपस में विवाह हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, और अगर कुछ और हो जाता है तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो लड़कियाँ आई तो पहले दिन एक ने, दूसरे दिन दूसरी ने, तीसरे दिन तीसरी ने, चौथे दिन चौथी ने, पांचवें दिन पांचवी ने, छठे दिन में वो अपने गुरु के पास आया और आके कहता है, गुरुदेव मैं एक बात पूछना चाहता हूं। महात्मा बोले, पूछो, क्या पूछना है? कहते, पूछना मुझको यह है कि जो मैं चाहता था वो आज हो रहा है। महात्मा जी सब समझ रहे क्योंकि सब उन्हीं का तो किया धरा। बोले जो मैं चाहता था वो सब हो रहा है, परंतु अब मेरे अंदर वह इच्छा ही नहीं है। अब इच्छा नहीं, हालांकि ऐसी ऐसी स्थिति जो है बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर दूसरी स्थिति भी है। और दूसरी स्थिति यह है कि खैर इस नव युवक ने तो उन लड़कियों के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए, और ये काल्पनिक नहीं बड़ी सत्य घटना है जो आपको सुनाई है हमने। पर एक दूसरी स्थिति भी हो सकती थी, मान लीजिए वो विवाह कर लेता है तो भी वो योग भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो यह भी जानता है कि आनंद का स्रोत उसके ही भीतर है, और वो यह भी जानता है कि सिर्फ जीवन यापन हेतु मैंने किसी संगिनी को या किसी साथी को अपने जीवन में शामिल किया है, ये मुझे अल्टीमेट सुख या आनंद नहीं दे सकते। इको पार्टनरशिप, एक कंपेनियनशिप तो है, परंतु अल्टीमेटली आई एम ऑफ दिस। समझ से, विवेक से, जागरण से अथवा अनुभव के धक्के खाने के बाद कोई कोई इस निष्कर्ष पे पहुंच ही जाता है कि शरीर के द्वारा प्राप्त किए गए सुख भी क्षणिक होते हैं। तो ये जो अभ्यासी है, इस अभ्यासी के अंतर ब्रह्मचर्य का सहज प्रगटाव होता है। ब्रह्मचर्य चरन्ति तते, उसके भीतर सहज से ब्रह्मचर्य का प्रकाश आ जाता है, करना नहीं पड़ता है। यू डोंट हैव टू फाइट विद द बॉडी। एंड नो दिस, इफ यू फाइट विद योर ओन सेक्सुअल अर्जिस, it is the urges which are going to win and not your mind. You cannot fight with your body and you should not. Tate padam sangrahen pravakshaye, jiska chit vishram mein hai, jiske bhitar om jaise is akshar ki dharana hai, aur jisne apne bhitar is abhyas ka phal paya hai, एक क्षण ऐसा आता है जो जिस क्षण में उस परम पद की जो चाह रखी थी ना, वह भी पूरी हो जाती है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध्य च मूर्धन्यार्धायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ। देखिए फिर बात आ रही है, मस्तक में प्राण को स्थित करके। इंद्रिय के द्वारों को रोके,
इंद्रियों को विषयों से हटाए, पहले विषयों से इंद्रियों को परे किया, फिर इंद्रियों के द्वारों को बंद किया, फिर मन को हृदय में स्थापित किया, फिर प्राण को मस्तक में स्थापित किया, इसके बाद फिर ओ मित्ते काक्षरम ब्रह्म व्याहारन माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यज्यं देहम सायाति परमां गतिम। जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अभ्यास की पूरी जो पृष्ठभूमि है वो भगवान ने यहां पर क्लियर कर दी है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। पहला, इंद्रियों को के द्वारों को रोक कर, इंद्रियों के द्वारों को रोकने के लिए बहुत से साधनाएं हैं। एक योनि मुद्रा, दो महाबंध, तीसरा केवली कुंभक। अब इन तीनों में से किसी एक अभ्यास को आप अगर करते हैं तो इंद्रिय के द्वार बंद हो जाते हैं। योनि मुद्रा किसको कहते हैं? दाएं एड़ी से गुदा के द्वार को बंद करे, बाईं एड़ी से स्त्रियों का योनि वजाइनल ओपनिंग को द्वार बंद करे और पुरुषों में पेरिनियम पर अपनी बाईं एड़ी को टिकाए। दाईं एड़ी से गुदा, बाईं एड़ी से पेरिनियम, अथवा सिर्फ दाईं एड़ी का उपयोग करके पेरिनियम के स्थान पर आपने पूरा जोर दिया, ये दोनों अभ्यास एक साथ या दोनों में से एक, तो आपका नीचे के द्वार बंद हुए। फिर अंगूठे से कान, तर्जनी और मध्यमा से आपने आंख, तीसरी इस अंगुली से आपने नासिका और इस आखिरी जो अंगुली है कनिष्ठिका, इसके द्वारा आपने अपने कान, आंख, नाक और मुख बंद किए। नौ द्वार, नौ के नौ द्वार बंद हो गए। इंद्रियों के द्वारों को रोक कर सर्व द्वाराणि संयम्य, सर्व द्वारों को बंद करें। अब तुम कहोगे नाक भी बंद, मुंह भी बंद, तो सांस का क्या? यही तो प्राणायाम की सिद्धि चाहिए, यही तो प्राणायाम का तुम्हारा अभ्यास काम आएगा। उसका भी क्रम है, उसका भी तरीका है, कैसे उसको करना, एक ही दिन में नहीं हो जाता। श्वास भीतर भर के भीतर रोकी तो यह हुआ अंतर कुंभक, श्वास को बाहर पूरा छोड़ दिया और बाहर ही रोक दिया बाह्य कुंभक। तो अंतर या बाह्य कुंभक को करे और फिर इन नौ द्वारों को बंद करके अपनी पूरी धारणा को हृदय में अथवा भ्रूमध्य में स्थापित जब तुम करते हो तो इससे आपके या प्राण जो है ये सुषुम्ना। अब पहले ईड़ा और पिंगला की भी बैलेंसिंग चाहिए, फिर वही बात आती है, आप इस चीज को छोड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट जस्ट यू नो बाईपास दिस, यू हैव टू डू दिस। ईड़ा और पिंगला जागृत हुई जिसकी, और जैसे ही समस्वर चले, समस्वर के चलते ही इन नौ द्वारों को बंद करे और इन नौ द्वार के बंद होते ही अंतर या बाह्य कुंभक करते ही यह शक्ति सुषुम्ना के मार्ग से जागृत होकर जब फिर चलती है तो आप के लिए ये रास्ता खोल रही है। किसका? ओम का। अब मानसिक उच्चारण हो, अब हो इस स्थिति में। जो पुरुष
ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता है किस स्थिति में? द्वारों को बंद करने के बाद, मन को हृदय स्थान में स्थिर करने के बाद, प्राण को मस्तक में स्थापित कर देने के बाद जब ओम का उच्चारण करता है, और ऐसा ही उच्चारण करता हुआ अंत की घड़ी में शरीर को त्याग कर वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। दिस इज अ श्योर शॉर्ट वे, इसमें कोई चांस की बात नहीं, इसमें आप कोई चांस नहीं ले रहे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा ही। श्री कृष्ण इसको पूरी अपनी गारंटी दे रहे। नौ द्वारों को रोक कर सर्व द्वाराणि संयम्य, पिछले श्लोक को मैं फिर कह रही हूं, सर्व द्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मनः प्राणमास्तितो योग धारणाम। इस तरह जो योग की धारणा करता है और इस स्थिति में आकर जब ओम का स्मरण उच्चारण वह करता है, और इधर प्राण उसने पहले ही मस्तिष्क में स्थापित कर दिए है, अब कलेवर ये शरीर छूट गया, अब मुझी में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझी में तो लीन होता है। गीता तो चल ही रही है और चलेगी भी अभी, प्रश्न यह है आपका अभ्यास कब चलेगा। श्वास उच्छ्वास को दीर्घ करना और लंबा करना, श्वास उच्छ्वास पर दृष्टि रखते हुए श्वास लेने पर शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों के भी साक्षी होते हुए आप इंद्रियों को निरुद्ध करें, मन को बाहर विचरने न दें, पूरी तरह वर्तमान में रहें, पूरी तरह श्वास पर आपका ध्यान रहे, पूरी तरह इस प्राणायाम की पद्धति को तुम पूरा करो। हस्त मुद्रा का इस्तेमाल करते हुए पहली ये दो अंगुलियां मस्तिष्क, अंगूठे से दाई नासिका को बंद किया और बाई नास से धीमे 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 श्वास को आप भीतर लेते जाते हैं, फेफड़े फूलते हैं, सबसे पहले पेट फूले, फिर सीना, फेफड़े फूल रहे हैं, उसके बाद और भी अभी श्वास जा सकता है, तो आपके ये जो कंधे हैं और इधर से बगलें ये भी फैलते हैं, कंधे थोड़े से ऊंचे उठते हैं, बगलों से सीना थोड़ा और फैलता है, इतना लंबा श्वास अंदर जाना चाहिए, जिसे मैंने यौगिक ब्रीदिंग कहा है। नीड टू प्रैक्टिस दैट। धीरे धीरे श्वास भरते, पहले पेट, फिर सीना, फिर कंधे और बगलों की इस फाइनल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेथ, एंड देन यू एक्सेल इट आउट थ्रू द राइट। फिर बाई नास को आपने बंद किया और दाएं से श्वास को आपने धीरे 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 धीरे, याद रहे जितना धीरे धीरे श्वास अंदर गया उतना ही धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ना। शुरू करें 20 मिनट के लिए, फिर धीरे धीरे इसका समय रोज 2 मिनट बढ़ाते चले जाएं, कम से कम 1 घंटे रोज होना चाहिए। ये प्रारंभिक अवस्था है। नाड़ी शोधन इस प्राणायाम से आप अपने न केवल फेफड़े डायफ्राम को स्वस्थ करते हैं, अपनी विंड पाइप को स्वस्थ करते हैं,
बल्कि इसी के साथ साथ आप अपने सूक्ष्म शरीर, आपके जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, आप उनको भी स्वस्थ करते। 72,000 जिसमें यह प्राण या प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है, और जिस प्राण शक्ति के प्रवाहित होने के कारण आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जीभ बोल रही है, मस्तिष्क चल रहा है, दिल धड़क रहा है, नाड़ी चल रही है, इसके चलाने, इस शरीर के जितने कल पुर्जे हैं, इनके चलने के पीछे एक ही कारण है, वो है प्राण शक्ति। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा आप अपनी इसी प्राण शक्ति के प्रवाह को सही करते, जागृत करते। क्रम एक ये कि आप इस नाड़ी शोधन को करें, दूसरा क्रम ये कि फिर आप इसके अनुपात के साथ इसको करें। अनुपात मतलब क्या? एक गिनती में श्वास भरा, चार गिनती तक श्वास को भीतर रोका, आठ गिनती में श्वास को बाहर छोड़ा, और फिर दो की गिनती में श्वास को बाहर रोका। एक में भरा, चार गिनती रोका, आठ गिनती में छोड़ा, दो गिनती में फिर बाहर रोका। जैसे जैसे आपके शरीर में शक्ति और ताकत बढ़ती चली जाए, वैसे वैसे इस अनुपात को भी आप बड़ा करते जाएंगे। यू इनहेल एट वन काउंट, यू होल्ड इट इनसाइड फॉर फोर काउंट, यू एक्सहेल फॉर एट काउंट, एंड यू होल्ड द ब्रेथ आउटसाइड ऑफ योर बॉडी फॉर काउंट ऑफ टू। अब जिन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है, कोई हार्ट डिजीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, वह लोग एक काम नहीं करें, और वो है श्वास को अंदर कभी नहीं रोके। वो रोक नहीं सकते श्वास, क्योंकि वो श्वास ज्यादा रोकेंगे तो दिल ही रुक जाएगा उनका। तो ऐसे लोग जिनको हृदय का कोई रोग है, उनको श्वास कभी भी नहीं रोकनी चाहिए। जिनका शरीर स्वस्थ है, वह लोग ही सिर्फ श्वास को रोक सकते हैं। पहली बात, ये बहुत कीमती और जरूरी बात समझने की। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसको कोई भी कर सकता है। एनी पर्सन एट एनी स्टेज, यहां तक कि शरीर अगर रोगी भी है तो भी, लेटे हुए तो भी, वो इसको कर सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते करते आपके शरीर की क्षमता श्वास लेने की भी बढ़ती है, स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और मन भी अंतर्मुखी होता है। फिलहाल मैं अभी इतनी ही बात कह रही हूं, और इसको अब आपको स्वयं अभ्यास करना है। कहना मेरा काम है, वो मैंने कह दिया, अब करना आपको है। और आपका यह जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, बिना श्वास को रोके वाला, अगर इसका अभ्यास आप निरंतर करते रहते हैं, आप देखेंगे कि आपका मन अधिक से अधिक से अधिक शांत 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 होने लग जाएगा। तो ये हो जाए तो अगली बात फिर हम बाद में बता देंगे। देखिए, दोनों बैठकें जो हो रही हैं, दोनों बैठकों में मैं बोल रही हूं, और ध्यान शिविर तो वैसे भी नहीं है, गीता आपका ही शिविर है तो गीता ही हम बोलेंगे। पर इसका अर्थ यह तो नहीं होना चाहिए ना कि आप स्वयं कुछ न करो। तो सुबह की जो बैठक 6:30 बजे की है, उसमें आप प्राणायाम करिए। आपके सहायता के लिए कुछ एक व्यक्तियों को हम यहाँ छोड़ेंगे, जो आप कैसे बैठ रहे हैं, हाथ की मुद्रा ठीक है या नहीं है इत्यादि, इन सब चीजों के लिए आपको मदद देंगे। इसी तरह से शाम के बाद जैसे जैसे आपको समय मिले, और जब जब समय मिले, तब तब आप इसका अभ्यास करते रहे। ख्याल इस बात का रखना है कि श्वास गहरी हो, धीमी हो,
लंबी हो। नारी शोधन अपने आप में बहुत बढ़िया है, पर नारी शोधन के साथ अगर कहीं आप उज्जयी प्राणायाम कर पाए तो उज्जयी, तो इट क्लीन्स अप योर माइंड लाइक एनीथिंग। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर सब गंदगी को खींच लेता अपने अंदर, ऐसे ही उज्जयी प्राणायाम आपके मन के समस्त विचारों को अपने अंदर खींच लेता, खाली कर देता है आपको। उज्जयी प्राणायाम में एपिग्लॉटिस को, एपिग्लॉटिस तो न समझ आएगी, इतना हम कहेंगे इस कंठ प्रदेश को आप थोड़ा सा संकुचित करते हैं, थोड़ा सा टाइट करते हैं, और फिर दोनों नासपुटों से धीरे धीरे श्वास भीतर भरते हैं, तो एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई छोटा बच्चा सो रहा हो तो उसका धीमा सा खराटा एक चलता है, धीमा सा बच्चे का हल्का सा खराटा जैसा चलता है, ऐसी ध्वनि तुम्हारे कंठ से होने लगती। जैसे कभी जुकाम हो जावे तो आप खींचते हो नाक खोलने के लिए, तो तुम्हारा गला जो है उसको तुम टाइट करते हो ताकि पूरी हवा जो है वो इन बंद नाक से तुम्हारे अंदर जा सके। तो थोड़ा सा ये भी थोड़ी सी ट्रेनिंग की बात है, जो प्रशिक्षक हैं वो आपको ये सिखा सकते हैं, उनके साथ बैठेंगे तो वो जरूर सिखा देंगे आपको। तो कंठ प्रदेश को जरा सा आपने टाइट किया और श्वास को नासपुटों से भीतर लिया लंबा और गहरा, और धीरे धीरे फिर उसका एक्सपीरेशन श्वास को फिर बाहर छोड़ दिया, तो यह उज्जयी प्राणायाम भी अपने आप में बहुत अद्भुत है, अद्भुत।